मगर मुझे जो साफ नज़र आ रहा है वो ये है कि आज से चंद महीने पहले, दो महीने पहले विधानसभा में 7-11 क्लब को लेकर के, इलीगल 7-11 क्लब को लेकर के आवाज़ उठी थी, और उसके चलते हुए मीरा भाईंदर में मार्केट में ये चर्चा है कि वो विधानसभा में प्रश्न उठने के बाद 7-11 क्लब की मेंबरशिप में भारी मात्रा में गिरावट आ गई, और उस क्लब की मेंबरशिप को बढ़ावा देने के लिए आज हम देख रहे हैं कि टी शर्ट के ऊपर 7-11 का सिंबल नज़र आ रहा है। ये बताना पड़ेगा महानगर पालिका आयुक्त को कि 7-11 क्लब का इस मैराथन से क्या संबंध है, कितना रुपया स्पॉन्सरशिप 7-11 क्लब ने किया है। मेरा ये साफ मानना है कि ये मैराथन की आड़ में 7-11 क्लब का प्रचार किया जा रहा है। ओके मुजफ्फर जी, कांग्रेस ने भारी मात्रा में पहले इसका विरोध किया था कि पूर्वग्रस्तों को मदद की जाए, उसके बाद एक रकम पूर्वग्रस्तों को दी गई जहां पे कर्मचारियों से सीधी तरह से कोई कंसेंट नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है कि यह सही रास्ता था पूर्वग्रस्तों को मदद करने के हेतु? पूर्वग्रस्त को मदद करना चाहिए और ये मैराथन को पोस्टपोन करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए, ये महानगर पालिका में, सभागृह में भी जो है आवाज़ उठाई गई, मगर बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम पैसे खर्च कर चुके हैं इसलिए मैराथन कैंसिल नहीं होगी। इन्होंने कजरी महोत्सव किया, एक तरफ इस राज्य के अंदर कई जिले पूर्वग्रस्त हैं, दूसरी तरफ इसी राज्य में मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन जो है वो दुष्कालग्रस्त है। लाखों लोगों को पूर्वग्रस्त में स्थानांतर किया गया है और आज भी अगले 2-3 महीने तक के वो नियोजन रिहैबिलिटेशन सही होगा, ये बहुत बड़ा सवाल इस राज्य के सामने है। ऐसी परिस्थिति में नाच गाने का आयोजन करना, कजरी महोत्सव का आयोजन करना, ये कहाँ तक के इनकी नीतिमत्व को सूट करता है इसका मैं बता नहीं सकता। उसी बात को धोने के लिए, छुपाने के लिए घाई गर्दी में महानगर पालिका में इन्होंने एक मुद्दा लाया कि हम मानधन देंगे नगर सेवकों का देंगे, मगर वहाँ पर कर्मचारियों के संदर्भ में कोई भी जनरल बॉडी में अप्रूवल इन्होंने नहीं लिया, और कल कर्मचारियों के यूनियन ने एक पत्र लिख करके ये आयुक्त को कहा है कि हम इतना मानधन हम देने को तैयार नहीं है, हम 4-5-6 दिन का मानधन हम नहीं देंगे, हम बोस हो सकता तो 1 दिन का मानधन देंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री के पास एक बड़ा चेक बनाया, पब्लिसिटी स्टंट किया, 6 लाख रुपये सिर्फ बीजेपी के नगर सेवकों का मानधन और 7 लाख रुपया आमदार ने अपना मानधन, सिर्फ 13 लाख रुपये का ही मानधन देने का इन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको किसी की तनख्वाह काटनी है तो कोई इस देश का नागरिक ऐसा नहीं होगा कि अगर देश में, राज्य में आपत्ति आई हो तो वो मानधन देने के लिए, रिलीफ में मदद देने के लिए अपना हाथ पीछे खींचेगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, मगर हर उस आदमी की सम्मति होना ज़रूरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कजरी महोत्सव इन्होंने किया उस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये घाईगर्दी किया है।